हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको फ्रंट स्लिट ओपन प्लेटेड कुर्ती बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है। ये 14 इंच हमारी रेडी होगी और 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और शोल्डर में 7.5 इंच रखूँगी। अगर आप इसमें डीप नेक बनाना चाहते हैं तो शोल्डर 6 इंच रखिए। और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच रखूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें मैं बॉटनेक गला बना रही हूँ। और यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे। मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। और बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। और दोनों निशानों पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे। और गले की चौड़ाई में 4.5 इंच रखूँगी। और पीछे की गले की लंबाई में 2.5 इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाई में 4 इंच रखूँगी। और दोनों निशानों पर हम बॉटनेक शेप ड्रॉ कर देंगे। और शोल्डर स्लोप के लिए हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मेरे 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है, इसके सेंटर में हमें कट लगा देना है। तो इस तरह से फ्रंट के 2 पीस हो जाएंगे। अभी ये मैंने बॉटम का पार्ट लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 32 इंच रखी है। आप चाहे तो इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। और इसकी चौड़ाई हमें कम से कम 40 से 50 इंच आनी चाहिए, यानी कि हमारा 2 मीटर फैब्रिक इसमें यूज़ हो जाएगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लेंथ में 16 इंच रखूँगी और ऊपर से स्लीव की चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है। और कैप स्लीव की लेंथ में 3 इंच रखूँगी और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और खुली वाली साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। नीचे से स्लीव की चौड़ाई में 7 इंच रखूँगी और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मेरी 2 स्लीव है। सबसे पहले हमें बैक का पार्ट लेना है और इसके ऊपर हम फ्रंट के दोनों पार्ट उल्टे रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी ये मैंने तिरछी पट्टी ली हुई है, इसे हम पूरे राउंड नेक पर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड से पूरे राउंड नेक पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। ऐसे ही हमें पूरे राउंड नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है। ये देखिए, मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है। अभी हम इसमें स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी इसमें अटैच कर देंगे। और स्लीव जॉइंट हो जाने के बाद हम स्लीव की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसमें स्लीव जॉइंट कर दी है दोनों साइड से। अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गैप देते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग कर देनी है। ये देखिए, मैंने इसकी फिटिंग कर दी है दोनों साइड से। अभी हम इसमें बॉटम का पार्ट जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने बॉटम का पार्ट लिया हुआ है, ये इसके सेंटर में कट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे पूरा खोल देंगे और जो हमारे कमर की चौड़ाई का पार्ट है वहाँ पर हमें इसे रखते हुए सिलाई लगानी है। सबसे पहले बॉटम का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। पूरी कमर की साइड पर हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाते हुए बॉटम पार्ट को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने बॉटम का पार्ट इसमें अटैच कर दिया है। अभी जो हमारा फ्रंट में स्लीट है वहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है, इसे हमें एक साइड से रखते हुए सिलाई लगानी है ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले ऊपर हम बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को नीचे तक हम सिलाई लगाते हुए इसमें अटैच कर देंगे। उसके बाद हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे और आधी पट्टी हम बाहर की साइड रखेंगे।
और दूसरी साइड हम 2 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करेंगे। ऊपर से नीचे तक हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे ऊपर से नीचे तक। उसके बाद इसके बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम पूरी पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसमें दोनों पट्टियाँ अटैच कर दी है। अभी इसके ऊपर हम बटन्स अटैच कर देंगे एंड बटन होल बना देंगे। आप नीचे की साइड से जितना भी कट खुला रखना चाहते हैं उतना खुला रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे अटैच कर सकते हैं सिलाई लगाते हुए, या फिर आप इसे पूरा ओपन भी रख सकते हैं, बटन एंड बटन होल बना सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बटन अटैच कर दूंगी एंड बटन होल बना लूंगी और नीचे की साइड से मैं इसमें खुला हुआ पार्ट रखूंगी। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर प्लेटेड फ्रंट स्लिट ओपन कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे प्लाजो, स्कर्ट या फिर जीन्स के साथ पहन सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और ये आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। Thank you.